अगर हम आपसे ये कहें कि आप अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए क्योंकि आपका डेटा चोरी हो रहा है, व्हाट्सएप पर जासूसी का आरोप लग रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने ऐसा आरोप लगाया है। पावेल डुरोव व्हाट्सएप पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि व्हाट्सएप ऐसा पिछले 13 सालों से कर रहा है और लोगों की जासूसी कर रहा है। उनके इस बयान के बाद से माहौल गर्मा गया है। अब सोचिए, आज के समय में हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ मैसेजिंग के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, फोटो शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट या लोकेशन शेयर करने के लिए भी करते हैं। ऐसे में इस आरोप के बाद तो सभी के कान खड़े हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि टेलीग्राम के फाउंडर ने व्हाट्सएप पर ऐसे आरोप लगाए हों। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप तब तक सिक्योर नहीं हो सकता जब तक कंपनी इसमें फंडामेंटल बदलाव नहीं करती, और अब तो पावेल ने लोगों को व्हाट्सएप से दूर रहने की बात करते हुए ऐप को तुरंत डिलीट करने की ही सलाह दे दी है। अपने बयान में टेलीग्राम के फाउंडर ने दावा किया कि व्हाट्सएप यूजर के फोन का पूरा एक्सेस हैकर्स के पास पहुंच जाता है और जो ये सिक्योरिटी की खामी व्हाट्सएप में है उसे जानबूझकर डाला गया है ताकि सरकार, एजेंसी और हैकर्स को एन्क्रिप्शन मैसेज का एक्सेस दिया जा सके। साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप पर तीखा वार करते हुए कहा कि व्हाट्सएप ने यूजर्स के डेटा को रिस्क पर रखा हुआ है जिसकी वजह से सभी को व्हाट्सएप की जगह किसी और मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऐसा कहकर वो लोगों को टेलीग्राम पर स्विच करने के लिए नहीं कह रहे हैं और टेलीग्राम को किसी एडिशनल प्रमोशन की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल टेलीग्राम के पास 700 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप का दावा है कि कंपनी यूजर्स को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेज की सुविधा देती है जिससे यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि कई बार ऐप में सिक्योरिटी खामी और बग्स को खोजा गया है जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सवाल खड़े करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।